होगा तभी मैं करूंगा समझौता, अभी मैंने मुझसे थोड़ी ना किया। जब से केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, तब से आरएलडी मुखिया का रुख बीजेपी की तरफ हो गया है। उनके बयानों से जो संकेत मिले उससे ये साफ हो गया कि जयंत चौधरी की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली है। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा ना बीजेपी की तरफ से हुई है ना ही आरएलडी की तरफ से। इसी बीच जयंत चौधरी ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया, क्या कहा आप खुद सुनिए। लोग बैठ के विचार करके कुछ रणनीति बना लो, हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये होगा तभी मैं करूंगा समझौता, अभी मैंने मुझसे थोड़ी ना किया। तो सुना आपने, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि अभी उन्होंने गठबंधन को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, पहले आरएलडी अपनी रणनीति पर विचार करेगी, उसके बाद क्या फैसला होगा बाद में ऐलान किया जाएगा। यानी कि अब भी जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन के साथ होने की गुंजाइश बची है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान ने बता दिया है कि अगर अब भी अखिलेश यादव उनके साथ बैठकर सीटों को लेकर मंथन करें तो बात बन सकती है। बता दें कि जयंत चौधरी शनिवार को यूपी के हापुड़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने पैतृक गांव नूरपुर में किसान नेता चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि 2024 को लेकर आरएलडी की क्या तैयारी है, तो उन्होंने फिर से बात को घुमा दिया। बहरहाल जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ खेला करने वाले हैं, हर किसी की निगाह इसी पर टिकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।